अस्सलाम वालेकुम असदामा फैमिली, तो कैसे हो, क्या हालचाल है आप लोगों के। आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे मेरी लॉबी में एक रैंकिंग स्क्वाड का आना होगा और वो हम पर कुछ इस तरह हमला करेगा। देखते ही देखते मेरे हाथों से रेत के ज़र्रों की तरह मेरे टीममेट्स की ज़िंदगी जाती जाएगी और मैं बेबस लाचार होकर चिकन की आस में अपना आगे का सफ़र तय करूंगा। लेकिन फिर मेरा सामना उसी स्क्वाड से होगा और इस कश्मकश के अंदर मेरे मन में कई सवाल गर्दिश करेंगे कि अगर मैं इस स्क्वाड को मार लेता हूं तो मेरे टीममेट्स की मौत का बदला भी पूरा होगा, मेरे हाथ में चिकन भी आएगा और उसी के साथ साथ मैं ऐसी लड़ाई जीत जाऊँगा जो मैं पहले से ही हार चुका था। लेकिन ये जितना सुनने में आसान था उतना करने में नहीं। सर्कल हमसे जा चुका था और सर्कल लेने की खुशी में रैंकिंग स्क्वाड के सब प्लेयर्स हमारा इस्तकबाल करने के लिए ब्रिज पे पहले से पहुंच चुके थे। अब हमारे स्क्वाड में सिर्फ दो जिंदगियां बच चुकी थी और वो इन दरिंदों के बीच महफूज नजर नहीं आ रही थी। अब हमने फूक फूक के कदम रखना था। हम इन हालात को बद से बदतर समझ रहे थे लेकिन असली हालात तो तब शुरू होने थे जब हमारा सामना दोबारा इसी स्क्वाड से होना था। सर्कल तो हमने ले लिया लेकिन हम इस चीज़ से अनजान थे कि सर्कल हमें फिर से धोखा देगा और सर्कल का कुछ इस तरह हमें धोखा देना हमारी आगे की ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल देगा। अब सर्कल और रैंकिंग वाला स्क्वाड मेरी आंखों के सामने था और अब वो समय आ चुका था जब मैंने सही वक्त पे सही फैसले का इंतखाब करना था और बिना कोई गलती किए इस चिकन को अपने नाम करना था। लेकिन ये जितना कहने में आसान था करने में उतना ही मुश्किल।
Okay. Excellent work. और फिर कुछ इस तरह मैंने अकेले नहीं ये चिकन अपने नाम कर लिया। अच्छा तो यार यहीं तक थी वीडियो, होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब लाजमी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।